हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्यों मारा रेखा ने ऋतिक को थप्पड़? कैसे रिलेटेड है ये स्टोरी प्रिटी की रियल लाइफ से? क्या ऋतिक बचपन में सच में हुए थे बुली का शिकार? सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कोई मिल गया। तो बिना वक्त जाया के दर्शकों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कोई मिल गया मूवी के बारे में। अब आपको तो पता ही है, ये मूवी 2003 में आई थी, स्टारिंग ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा एंड रेखा। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन की है और उसके बाद इस पे कई सीक्वल्स भी बन चुके हैं और अब एक और यानी कि क्रिश 4 बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्रिश 4। ऋतिक इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं और अब इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए बात करते हैं कोई मिल गया के बारे में अब और बिना किसी डिले के। मूवी की स्टार्टिंग में रोहित मेहरा के फादर एक कार क्रैश में मर जाते हैं, जो कि रियल लाइफ में लीड एक्टर प्रीति के पेरेंट्स के साथ हुआ था जब वो सिर्फ 13 साल की थी। रोहित यानी कि ऋतिक इस मूवी में चश्मा पहनते हैं और काफी ढूंढने के बाद वो कहो ना प्यार है वाले ही स्पेक्स चूज करते हैं। लगता है वो स्पेक्स उन्हें काफी ही पसंद आ गई थी। राकेश रोशन की पहली चॉइस निशा के रोल के लिए प्रिटी नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी, पर ये हो ना पाया। तो जस्ट इमेजिन उन्हें इस रोल में ऋतिक के साथ डांस करते हुए, आया ना मजा। ऋतिक इस मूवी से पहले एक्टर बने जिन्होंने बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स दोनों ही अवार्ड जीत लिए। पर सून आफ्टर हिम रणबीर कपूर ने रॉकस्टार और अमिताभ बच्चन ने ब्लैक के लिए भी ये दोनों अवार्ड्स जीते। मूवी कोई मिल गया में एक सीन होता है जहां रेखा रोहित को धमकाती है और कहती है कंप्यूटर ना यूज करने को, पर रोहित नहीं मानता। ऋतिक को लगता है कि ये धमकी सिर्फ जो है स्क्रीन प्ले का पार्ट है, लेकिन एक्शन बोलते ही रेखा ने उन्हें सच में थप्पड़ मार दिया और ऋतिक दंग रह गए। ये मूवी इंडिया की तीसरी साइंस फिक्शनल म्यूजिक फिल्म बनी। डायरेक्टर राकेश रोशन कई एक्टर्स जैसे कि ऋषि कपूर के पास गए रोहित के बाप यानी डॉक्टर मेहरा के रोल के लिए, पर नकारे गए। इसके बाद ऋषि ने उन्हें कहा कि ये रोल राकेश को खुद करना चाहिए। जब माँ को कास्ट करने की बारी आई तो राकेश चाहते थे कि रेखा ये रोल करे, पर उन्हें डर था कि वो कहीं मना ना कर दे, इसीलिए वो रेखा के घर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गए और पूरी स्क्रिप्ट सुन के रेखा इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो ये रोल करना चाहती। यही नहीं, ऋतिक के मूवी में जो भी बुलिंग सीन्स थे वो रियल लाइफ से इंस्पायर थे, स्पेशली वो साइकिल तोड़ने वाला। इस मूवी की दो एंडिंग सोची गई थी, या तो जादू अपनी शक्तियां वापस ले जाए या उन्हें यहीं पर छोड़ जाए, पर बॉलीवुड ऑडियंस को समझते हुए मेकर्स ने इस मूवी को हैप्पी एंडिंग देने की सोची। अनडाउटली ये तरकीब काम आई। हमें आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएं तो हमें कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। सो दिस इज मी अलीशा चोपड़ा, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।